फ्रेंड्स, वेलकम टू कलर्स एंड फ्लेवर्स चैनल। आप सबको मेरा नमस्ते। आज के वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ लैक्मे 925 सीसी क्रीम। ये एक ऑल इन वन इंस्टेंट स्किन स्टाइलिस्ट क्रीम है और इसमें SPF 30 PA डबल प्लस है। ये एक कॉम्प्लेक्शन केयर क्रीम है। इसका प्राइस जो है वो 299 रुपए, यानी ये 300 रुपए की है, लेकिन मुझे 280 रुपए की मिली और इसकी सेल्फ लाइफ 2 साल की है। इसकी पैकिंग में लिखा हुआ है इंस्पायर्ड बाय ट्रेंड्स एट लैक्मे फैशन वीक कॉम्प्लेक्शन केयर क्रीम। इंस्टेंटली प्रोटेक्ट्स, मॉइस्चराइजेस, ब्राइटेंस इवन स्किन टोन, कंसील्स एंड फ्रेशनेस। दिस इंस्टेंट स्किन स्टाइलिस्ट ब्रिंग्स टुगेदर ऑल द गुडनेस ऑफ योर डेली स्किन क्रीम विद जस्ट द राइट टच ऑफ मेकअप टू गिव योर स्किन द लुक्स स्टाइल्ड बाय एन एक्सपर्ट एवरी डे। यानी ये क्रीम क्लेम करती है कि ये आपकी त्वचा को सन से प्रोटेक्ट करेगी, मॉइस्चराइज करेगी, त्वचा में एक ब्राइटनेस लाएगी, इवन स्किन टोन करेगी, कंसील करेगी और त्वचा में एक फ्रेश लुक आएगा। ये एक तरह से एक इंस्टेंट स्किन स्टाइलिस्ट क्रीम है और इसको लगाने से एक लाइट मेकअप फिनिश लुक मिलता है। साथ ही इसमें कैसे इसको लगाएं और इंग्रेडिएंट्स वगैरह दिए हुए हैं। अब मैं आपको अपना शेड दिखा देती हूँ। तो इसमें 4 शेड आते हैं और मैंने वो चारों शेड्स अपने हैंड में लगवा लिए थे, तो उसकी पिक भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। लैक्मे वालों ने लैक्मे 925 सीसी क्रीम के जो नए 4 शेड लॉन्च किए हैं, उन्हें पहला है बेज शेड, ये पहले भी आता था, ये है फॉर वेरी फेयर टू फेयर स्किन टोन। दूसरा शेड है हनी, ये नया शेड है, ये फेयर टू वीटी स्किन टोन के लिए है। तीसरा जो शेड है वो ब्रॉन्ज है, भी पहले आता था, और ये ब्रॉन्ज शेड है वीटिस टू डस्की स्किन टोन के लिए। चौथा है आलमंड शेड, ये भी नया, और ये है डस्की स्किन टोन के लिए। तो आप अपनी त्वचा के अनुसार इसमें से कोई भी शेड ले सकते हैं। ये रहा मेरा हनी शेड और इस ट्यूब का कलर कुछ लाइट पिंकिश व्हाइट जैसा है। इसका कैप रोज गोल्ड कलर का है। ये रहा मेरा हनी शेड। लगाते समय प्रॉपरली ब्लेंड करें तो ये त्वचा में प्रॉपरली मिक्स हो जाती है और एक फेयरनेस लुक आता है। मैं इसको लगभग एक मटर के दाने के बराबर लेकर के अपने चेहरे, आंखों के आसपास की त्वचा और गर्दन में डॉट डॉट करके लगाती हूँ और उसके बाद उंगलियों से ब्लेंड करती हूँ, तो इससे चेहरे और गर्दन की त्वचा का रंग जो है वो एक समान हो जाता है। वैसे तो ये क्रीमी है और उंगलियों से यानी फिंगर से आसानी से ब्लेंड हो जाती है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरह के ब्यूटी ब्लेंडर स्पंज से भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं, तो इससे भी चेहरे को एक अच्छा फिनिश मिलता है। ब्यूटी ब्लेंडर को आप अपने मेकअप में या फाउंडेशन अप्लाई करने में कैसे इस्तेमाल करें, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। उसका लिंक आपको ऊपर ही मिल जाएगा और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। इसको लगाने से एक फ्लॉलेस फेयरनेस लुक मिलता है। फाउंडेशन के कलर पिगमेंट होने के कारण ये फेयरनेस क्रीम की तरह व्हाइट जैसी नहीं लगती है, यानी अगर आप इसको त्वचा में ब्लेंड करते हुए लगाते हैं तो इसका कलर पिगमेंट त्वचा के साथ प्रॉपरली मिक्स हो जाता है और इसे एक लाइट सा मेकअप फिनिश लुक मिलता है। ये बहुत ज्यादा कवरेज नहीं देती, इसका लाइट सा ही कवरेज है, लेकिन अगर आप ज्यादा कवरेज चाहते हैं तो इसके ऊपर भी फाउंडेशन लगा सकते हैं या फिर अपने कॉम्पैक्ट से सेट कर सकते हैं। इसमें कंसीलर का हल्का सा टच है, तो ये हल्के दाग धब्बे या त्वचा में कुछ रेडनेस हो जाती है या ब्लेमिशेस होती है सन के कारण, तो उसको ये हाइड करती है और इससे स्किन इवन टोन लगती है। लैक्मे सीसी क्रीम में थोड़ा सा मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन और थोड़ी मात्रा में फाउंडेशन है, तो आप इसको डेली ऑफिस में भी लगा सकते हैं, स्पेशल ओकेजन में भी लगा सकते हैं। और कवरेज इतना ज्यादा नहीं है कि आपको लगे बहुत ज्यादा मेकअप पोता हुआ है, तो आप इसको घर के बाहर कहीं भी जा रहे हैं, लंच, डिनर, शॉपिंग में, तो भी आप लगा सकते हैं। इवन घर पे भी कोई गेस्ट आना होता है तो मैं इसको अपने फेस में अप्लाई कर लेती हूँ। एक्चुअली मैं इसको डेली नहीं यूज करती हूँ, जब कभी घर से बाहर जाती हूँ तभी लगाती हूँ। वैसे तो इसमें मॉइस्चराइजर है, लेकिन मौसम के अनुसार और त्वचा के अनुसार आप इसको लगा करके देख लें और त्वचा की नीड के अनुसार इसके नीचे मॉइस्चराइजर लगा लें। ये गर्ल्स और लेडीज के लिए तो अच्छी है ही, और ओकेशनली फंक्शन में
बॉयज और जेंट्स भी लगा सकते हैं। ओवरऑल लैक्मे सीसी क्रीम के रूप में एक रीजनेबल प्राइस में ऐसी क्रीम मिल जाती है जिसमें एक ही ट्यूब में मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, फाउंडेशन तीनों मिल जाते हैं। इसका सनस्क्रीन SPF 30 है जो कि काफी अच्छा है। इसको आप अपने बैग में, पर्स में भी साथ लेकर चल सकते हैं, जिससे आप कभी भी किसी भी समय अपने चेहरे को खूबसूरत टचअप दे सकते हैं। एक टिप ये भी है कि गर्मी के मौसम में या ऑयली स्किन है तो आप इसके ऊपर हल्का सा कॉम्पैक्ट भी लगा सकते हैं, उससे भी फेस का लुक बहुत अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।